मीरांध्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय धीमते श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाशल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। रूप गोस्वामी के उपदेशों के अंतर्गत भक्ति के लिए क्या क्या बाधक है जो रास्ते में अवरोध क्या है इसको जानने पर एक साधक उस पथ के ऊपर सुरक्षित कदम डालते हुए आगे बढ़ सकता है। इसलिए क्या क्या सही है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है ये दोनों ही जानना जरूरी होता है। जानने पर व्यक्ति जो आगे बढ़ेगा वो उसी के अनुरूप आगे बढ़ेगा। साधना में ये विशेषता इस चीज़ को हर चीज़ के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्रतिकूल को देख के भयभीत होने की जरूरत होता नहीं क्योंकि जो अनुकूल है वो इतना सहज है कि वो सारी प्रतिकूलताएं उसके सामने नगण्य हो जाते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए यद्यपि अत्याहार खराब है लेकिन किस प्रकार से अत्याहार ठीक हो सकता है अनुकूलता क्या है अत्याहार के मामले में श्री रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। प्रयास भी बहुत खराब है लेकिन भक्ति विरोधी प्रयास हो वो खराब है। फिर भक्ति के अनुकूल प्रयास करो साधना करो कोई असुविधा होता नहीं। यद्यपि प्रतिकूलताएं बहुत भयावह सा प्रतीत होता है लेकिन हमारे आचार्यों ने उसके अंतर्गत अनुकूलताओं को भी प्रकाशित किया बताया। इसीलिए साधना सहज हो जाता है सरल हो जाता है। आज यहाँ पर तीसरा जो अवरोध है बाधा है भक्ति के मार्ग में उसके बारे में बतला रहे हैं वो है प्रजल्प। क्या होता है प्रजल्प? बोलते हैं कि आपस का वार्तालाप आपसी चर्चा वही प्रजल्प है। उसको जल्पना भी बोलते हैं प्रजल्प भी बोलते हैं। प्रजल्प है कि परस्पर एक दूसरे के साथ जो चर्चा इत्यादि किया जाता है सब प्रजल्प के अंदर आता है। वर्तमान जगत में बहिर्मुखता इतनी है कि दूसरों के साथ वार्तालाप करने में प्राय बहिर्मुख जल्पन ही हो पड़ता है। इतनी बहिर्मुखता है एक जीव का कृष्ण के साथ में उन्मुखता तो है नहीं बहिर्मुख है। तो इसी कारण से जब दो बहिर्मुख जीव एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और उनके आपस के जितना भी चर्चा का विषय होता है वो सब वास्तविकता में प्रजल्प के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं है। इसलिए इससे सावधान रहना पड़ता है। बोलते इसीलिए जो भजन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है उनके लिए प्रजल्प बहुत खतरा है।
मतलब बैठ के फालतू की बातें करना, समय नष्ट करना, ये ठीक होता नहीं। इस तरीके का काम एक अच्छे से साधना करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कि वो अपने समय बर्बाद करेगा इसके साथ, उसके साथ बैठ के बातें करते हुए। लेकिन परम आराध्य परम गुरु महाराज जी भी इसी बात को बोलते हैं। परम गुरु महाराज जी बोलते हैं, अगर यही चिंतन करते हुए तुम जो है वैष्णवों के साथ किसी के साथ में आदान प्रदान नहीं करोगे, वार्तालाप नहीं करोगे, मेल मिलाप नहीं करोगे, बोलते तुम्हारा परमार्थ तो रहेगा ही नहीं है, परमार्थ तो शेष हो जाएगा। जब किसी से बात ही नहीं करता है तो अंदर द्वंद चलने लगता है, अंदर द्वंद चलने लगता है, अंदर अंदर बात कर रहा होता है, अपने आप में बात कर रहा होता है, अपने बुद्धि अपने मन, कभी जो है मन में कुछ आता है, कभी बुद्धि में कुछ आता है, कभी किसी में कुछ आता है, वो फिर कलपने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें समझ करना है कि बात ना करने पे ठीक चलता है, वो खराब है। तो इसीलिए यहाँ बतला रहे हैं कि किस तरीके का वार्तालाप इत्यादि होना चाहिए। भक्ति के लिए अगर इच्छा है किसी को, जो साधक को भजन करने की इच्छा है, उसके लिए ये सब ठीक नहीं। अहित कर होगा। भक्ति के अनुशीलन में नाना प्रकार की जल्पनाएं हो सकती है। भक्ति मार्ग के अंदर जो है कई तरह का ऐसे हो सकता है, चर्चाएं प्रज्वलित हो सकता है कि हो नहीं सकता। साधकों के लिए इस प्रकार की भक्ति संबंधी जो जल्प है, चर्चाएं हैं, वो श्रेयस्कर है, उसके हितकर है। मतलब भक्ति के वर्धन में जो सहायक होता है, वो चीजें हमारे लिए हितकर है। जो भक्ति में वर्धक नहीं होता, उस तरह की जो चर्चाएं हैं, वो हमारे लिए पूरी तरह से अहितकर है। भक्ति के लिए सहायक क्या हो सकता है? वैष्णवों के मध्य में बैठ के चर्चा, वैष्णवों के साथ में मेल मिलाप, वार्तालाप, ये हमारे लिए भक्ति के लिए अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि हर शब्द जो वैष्णव कर रहा है, बोल रहा है, वो केवल कृष्ण का ही नाम हो बाह्य दृष्टि से, जरूरी नहीं है। लेकिन उनके साथ वार्तालाप में, आदान प्रदान में जब हम लोग मिलते हैं, तो हमारा उनके प्रति एक आकर्षण, एक अपनापन का भाव बन जाता है। वैष्णवों के प्रति जब अपनापन का भाव आता है, तो वही भाव भगवान के प्रति भी परिपक्वता को प्राप्त करा देता है। जो भक्त से प्रेम नहीं कर सकता, वो कभी भी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता है। जो उसको भक्त के साथ में चर्चा करना अच्छा नहीं लगता, जिसको विषयों से मेल मिलाप अच्छा लगता है, वो व्यक्ति कभी फिर साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। सूरदास जी महाराज बोलते हैं कि हरिजन छाड़ हरि विमुखन की निशिदिन करत गुलामी। गुलामी तो कर ही रहा, लेकिन हरिजनों को छोड़कर जो हरिविमुख प्राणी है उनका कर, इसलिए व्यक्ति वैसे ही नहीं रह सकता है। गूंगा आदमी भी क्यों ना हो, वार्तालाप के बिना नहीं रह सकता। उसके अंदर वार्तालाप करने की एक लालसा, एक इच्छा हमेशा बना हुआ रहता है। तो इसीलिए मुंह बंद रखना को हम लोग ऐसे नहीं मानते कि वो वार्तालाप नहीं कर रहा है, प्रज्वलित नहीं कर रहा है। किसके साथ में कर रहा है वो विशेष महत्व रखता है। भक्ति विरोधी है जो विषयी लोग हैं, जो लोग संसारी व्यक्ति है, यही विशेषता है।
संसारी व्यक्ति के साथ में हरिचर्चा भी हानिकारक है, जबकि शुद्ध भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ में साधारण वार्तालाप भी परमार्थ के लिए उन्नति सूचक होता है, क्योंकि शब्द ही नहीं, भावना ही महत्व रखता है। वार्तालाप करने वाला व्यक्ति, चर्चा करने वाला व्यक्ति के हृदय के अंदर किस प्रकार के भाव है, वो किस प्रकार के विचारों को रखता है, उसी उस चीज का ही विशेष महत्व होता है। ऐसा इसीलिए भागवत जी के अंदर भी बता दिया, जो अवैष्णव होता है उसके मुख से हरि कथा भी सुनना नहीं है, भागवत कथा भी नहीं सुनना, श्रवणम नैव कर्तव्य। चर्चा तो दूर की बात है, उसके साथ मेल मिलाप और वार्तालाप तो दूर की बात है, बोलते वो अगर भगवान के बारे में बोल रहे तो भी नहीं सुनना, श्रवणम नैव कर्तव्य, क्योंकि वो जहर की तरह काम करेगा। सोचिए, एक अवैष्णव एक भगवान के प्रति समर्पण का अभाव वाला एक व्यक्ति, एक विषयी व्यक्ति अगर भगवत कथा भी बोल रहा है, भगवत चर्चा भी कर रहा है, आचार्य श्रवण करने के लिए भी निषेध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम अनावश्यक चर्चाओं में पड़ते हैं तो हमारा परमार्थ कहाँ जाएगा, वो हम लोग चिंता भी नहीं कर सकते। बड़े विचित्र होते हैं ये लोग। हम वृंदावन गया था एक बार, फोगला आश्रम में एक बहुत बढ़िया कथावाचक था, वो कथा करते हैं भागवत जी का, बहुत सुंदर बोलते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं सुन के, बहुत उनका बहुत पसंद करते हैं लोग, मुझे भी बहुत पसंद था। जब मैं वृंदावन विनोदवानी गौड़िया मठ में था किसी कारण से, तो पोस्टर देखा तो एक दिन कथा में चला गया। बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन गीता जी की व्याख्या करते हुए, देवताओं की उपासना करने वाला देवलोक में जाता है, भूतों की उपासना करने वाला भूतलोकों में जाता है, और शेष में ऐसे कहते कहते बोलता है कि जो मेरा उपासना करता है वो मैं ही बन जाता है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण कहते जो मेरा उपासना करने वाला तो मैं ही बन जाता है, कृष्ण ही बन जाता है। अब क्या करोगे ऐसी जगह पे? बाकी सब जगह उन जगह पे जाता है, लेकिन जब कृष्ण उपासना की बात आता है कि वो कृष्ण हो जाता है। वो मैं आश्चर्यचकित होकर देख रहा था, जबकि इतना सुंदर भागवत कथा बोलते हैं, सुन के तो लोग रो पड़ते हैं, वो खुद रो पड़ते हैं। श्लोक उच्चारण, कीर्तन वगैरह सारा बहुत सुंदर होता है। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि अगर बहुत सुंदर भगवत कथा ही क्यों ना हो, इस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं जो भगवान को भगवान की तरह नहीं देखते, भगवान का सेवा में रुचि नहीं रखते, भगवान के प्राप्ति का भाव नहीं रखते, भगवत प्रेम की बात नहीं करते, ये सब जगह पे जाके उन लोगों से जो वार्तालाप है, इसलिए कई लोग प्रचारक बन के निकल हर आदमी को समझा देंगे करके, शेष में उनका भी पतन हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में चर्चा करता है। तो मैंने अपनी साधना में, अपनी चेष्टा में परिपक्वता को लाभ नहीं किया, स्वयं तुम जो है गुरु कृपा को प्राप्त नहीं किया, कि यह भी नहीं कि तुम्हारा पूर्ण योग्यता नहीं है तो कम से कम तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें आदेश की हो, ऐसा भी होता नहीं। इस तरीके के चीज़ें ना होने पर, ऐसे जो व्यक्ति हरिचर्चा के नाम पे भी जो निकलते हैं, वो लोग भी अपने लिए अनर्थों का ही आवाहन करते हैं। लेकिन वही जो भक्ति का अनुशीलन के लिए जो अनुकूल जो चर्चाएं होते हैं, वो निश्चित रूप से परम मंगलकारी है। यही विशेषता है, वो उसके लिए निश्चित रूप से मंगलकारी है। जिस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करते करते अगर नामाभास भी हो जाता है, ऐसे जो स्थिति में
जैसे सहजता के साथ एक लक्षित करते हुए या अलक्षित भाव से जैसे भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, नामाभास हो जाता है। वो बोलते हैं जो भगवान के नामाभास का जो भाव है, जो आता है, उसी से जीव के जितने भी अनर्थ है तमाम अनर्थ ध्वंस हो जाते हैं। इसलिए जैसे हम वार्तालाप करते करते, ऐसी चर्चा करते 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 किसी की ना किसी रूप में अगर नामाभास भी हो जाता है, उसका परिणाम से भी सारे अनर्थ सब शेष हो जाते हैं। हाँ, उसका प्रभाव है। कीर्तन, स्तुति, शास्त्र अनुशीलन, ये क्या बोलते हैं, तथा प्यास्मिन कदाचित कदाचित धमी मधीशो नाम जल्पनी अवध्या वृंदा निस्तारी नामा भासो प्रसीदताम। तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम का उच्चारण करते करते यदि कि जीव का नामाभास हो जाए तो नाम, ये नामाभास रूपी जो प्रजल्प है, चर्चा, जो चिंतन, ये क्या करता है, सभी प्रकार के अनर्थों को विनाश कर देता है। ये विशेषता है इसका। इसलिए बोलते हैं कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन भक्तों के साथ में, स्तुतियां करना भगवान का, और उसके बाद शास्त्रों का अनुशीलन करना, ये सब क्या है, ये सब वास्तविकता में जल्पन है, यही प्रजल्प है। और क्या बोलते हैं, किंतु जब ये इतर अभिलाषाओं से शून्य होकर भक्ति के अनुकूल रूप से अनुष्ठित होते हैं, तभी भक्ति के अंग स्वरूप हो पड़ते हैं। यही बात विशेष रूप से हमें समझना होगा। ये बात, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सब अन्य अभिलाषिताओं को छोड़कर दूसरी अभिलाषाओं को लेकर के नहीं, मन में और इच्छाओं को लेकर के नहीं, बिना किसी और अभिलाषा के, बिना किसी और विचार के जब ये सब किया जाता है, कीर्तन करने वाला जो व्यक्ति, उसके मन के अंदर किसी और प्रकार का भाव रहता, अन्य भाव रहता है कि कीर्तन करते हुए मैं कनक अर्जन करूँगा, कामनी को आकर्षित करूँगा, प्रतिष्ठा को प्राप्त करूँगा, या लोगों के द्वारा एक सम्मान पाऊंगा, इस तरीके के जो भाव है वो सब वास्तविकता में कोई लाभदायी नहीं हो सकता, ये सब ठीक होता नहीं। यद्यपि श्रेष्ठ जो जल्प है वो भगवान का कीर्तन ही है, शास्त्र चर्चा ही है, और भक्तिमय आचरण ही है, लेकिन जब ये सब भगवान के अनुकूल होकर के किया जाए तो संभव है। इसलिए बोला अनुकूल है ना कृष्णानुशीलन, कृष्णानुशीलन कि किस प्रकार से करना चाहिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल भाव से करना चाहिए, तभी होगा, अन्यथा संभव पर नहीं है। इसलिए क्या बोल, होगा तभी भक्ति के अंग स्वरूप जान पड़ता, तभी कीर्तन भक्ति का अंग होगा, तभी श्रवण भक्ति का अंग होगा, तभी हरि कथा भक्ति का अंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। व्यक्ति के मन में संसार घुसा हुआ है और वो संसारिक उद्देश्य से ही, कथा करने से मुझे पैसा मिलेगा या फिर मुझे जो प्रतिष्ठा मिलेगा या मुझे कुछ और लाभ होगा, ऐसे ऐसे विचार वाले जो भी लोग होते हैं, जैसे मैं श्लोक अच्छी तरह से सीख लूं किसके लिए, बोले अपने फायदा होगा, वो इस दृष्टि से नहीं, कोट करने के लिए काम आता है कि उस जगह का, उस प्रसंग का ये श्लोक है, वो कितना अच्छा लगेगा। ये तरह का विचार जो है ये साधना के लिए हानिकारक है।
भले इस तरीके से ठीक नहीं है, और उस चीज के लिए जो प्रेरित करता है वो भी ठीक होता नहीं है। परम पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज ने मुझे इस विषय में एक बार बोला था कि हमेशा भागवत जी को जीवन बनाना, जीविका नहीं बनाना है। कभी कभी भी भागवत जी को, मतलब हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को कभी भी जीविका नहीं बनानी है, उसको अपना जीवन बनाना है, तभी परमार्थ समझ में आएगा। नहीं तो कभी भी परमार्थ क्या है वो समझ में नहीं आएगा कभी भी। अतएव सिद्धांत ये है कि कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल समस्त प्रकार की जल्पनाएं भक्ति विरोधी हैं। जो चीज हमें भगवान के भक्ति के अनुकूलता दिखाई नहीं देता, जिस पथ को अवलंबन करने पर, जिन विचारों का स्वीकार करने पर, जिन विचारों को अपने जीवन में धारण करके चलने पर भक्ति के अंदर अनुकूलता दिखाई ना दे, वो बोलते वो बहुत खतरनाक है, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो सब हमारे लिए हानिकारक है। साधक को खूब सावधान होकर ऐसी प्रजल्पों से दूर रहना चाहिए। ऐसे साधक जितने भी होते हैं, भजन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, जैसे कई लोग होते हैं, नया नया हरिनाम होता है, फिर उसके बाद नया नया भाव जागता है, नई नई तरीका से लोग जो है इसका उसका पता नहीं किस किस का सबका सुनने को चलते हैं, करने को चलते हैं। वास्तविकता में ये सब प्रजल्प के अंदर ही आता है। उसको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि सामने वाले का बोलने का ढंग से तुम आकर्षित हो रहे हो, और तुम्हारा ये आकर्षण तुम्हें तुम्हारे गुरुनिष्ठा से विमुख कर रहा है। ये चीज कई लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोग नहीं समझ पाते। जो व्यक्ति गुरुदेव के प्रति निष्ठा से वंचित होगा और उसके बाद परंपरा के प्रति निष्ठा से वंचित होगा, वो व्यक्ति महाप्रभु का कृपा को प्राप्त कैसे करेगा? संभव ही नहीं हो। क्योंकि उसको नया नया एक जोश आता है, उसको देख के अच्छा लगता है कि वो भी तो अच्छा ही बोल रहे, कृष्ण भक्ति की बात बोल रहे हैं। और शेष में वो कब गुरुदेव को भूल गया, परंपरा को भूल गया, किसी और रास्ता को पकड़ लिया। ऐसा हुआ था, कई लोगों को देखा, उसमें से एक है जो कि भक्ति के मार्ग में आया और उसके बाद हरिनाम आदि प्राप्त किया, लेकिन बाद में वहाँ पर यहाँ दूर हो जाता है, संग होता नहीं है करके जो स्थानीय जहाँ पर प्रचारक है उनका संग करने लगा। वो बाबा जी लोग हैं, वो लोगों ने शेष में क्या किया, उसको पूरी तरह से इस विचारधारा से ही विमुख कर दिया, क्योंकि संग का प्रभाव है। एक को देखा, वो ये बोल के कि जो गुरुजी ने दी है उसके आगे की बात ये लोग बता रहे हैं, यहाँ तक उसने गुरु अपराध किया करके जनेऊ इत्यादि को त्याग भी कर दिया, क्योंकि ये तो वर्णाश्रम विचार है। प्रेम भक्ति में, शुद्ध भक्ति के मार्ग में वर्णाश्रम विचार कहाँ है? गुरुदेव ने दी है, अब उसके आगे की जो क्लास है वो ये है, बोल के वो जने उन्हें सब उतार के रख दिया। क्या साधना में आगे बढ़ेगा? वही लोग सब ये प्रजल्प वाले दल है। समझ तो होता नहीं, कहीं पे भी जाना थोड़ा सा देखने में तपस्वी सा लगे, साधक सा लगे, मेरे लिए भजन के अनुकूल है कि नहीं, हमारे परंपरा के अनुकूल है कि नहीं, महाप्रभु के विचारधारा के अनुकूल है कि नहीं, ये सब विचार ना करते हुए पहुंच जाते। और फिर शेष में उसकी जो श्रद्धा डगमगाना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति गुरुदेव के प्रति निष्ठा में प्रबल नहीं हो सकता, वो कभी भी परमार्थ में आगे नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद नहीं जानते थे, सब कुछ जानते थे, वर्तमान समय के बारे में प्रभुपाद सब जानते, जीव गोस्वामी सब जानते हैं,
इसीलिए जीव गोस्वामी ने पारकीय भाव को स्वकीय भाव में प्रकाशित किया। रूप गोस्वामी के अत्यंत प्रियतम शिष्य हैं, रूप गोस्वामी के हृदय वाले शिष्य हैं, लेकिन उन्होंने पारकी को स्वकीय के रूप में प्रकाशित किया, क्योंकि मालूम है इस प्राकृत जगत के लोग, ये संसारी लोग इस चीज को नहीं समझ पाएगा, अर्थ का अनर्थ निकालेगा। अर्थ निकलते रहे, फिर श्रील प्रभुपाद ने आके एक वर्णाश्रम विचार को, इस तरीके से आश्रम व्यवस्था को, और इसके बाद लाल कपड़ा आदि, इन सब चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर प्रवर्तन किया, मतलब क्रम मार्ग, क्योंकि उनको मालूम था कि किस प्रकार का स्थिति आएगा। भक्ति में परिपक्वता ना होने के बाद, भक्ति क्या है उसकी वास्तविक समझ ना होने के पहले, जो कोई भी व्यक्ति भक्ति में परिपक्वता का भाव दिखाता है, वो उसके लिए और उसके संगी समाज के लिए, सबके लिए खतरा ही साबित हो सकता है। ये चीज समझना होता है। जैसे आदमी को बोलो ध्यान करो, योग करो, बड़ा कठिन है, लेकिन ये जो कीर्तन है, नाचो गाओ, भक्तों के साथ में खेलो कूदो, इसीलिए आज अभी देखते हैं हर व्यक्ति प्रचारक है, हर व्यक्ति सब कुछ है, कुछ मतलब बच्चों को भी देखता। कितना तुमने स्वयं हरिकथा सुना, जरूरत ही नहीं पड़ता ये सब चीज़ों को, जरूरत ही नहीं पड़ता, थोड़ा किताब पढ़ ली, थोड़ा समझ लिया, उसके बाद शुरू। और फिर वो लोग ही अर्थों के अनर्थ निकाल कर स्वयं भी गलत रास्ते पे चलते हैं, और उनके द्वारा जो प्रेरित होते हैं उनको भी गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। ये सब प्रजल्प के अंदर ही आता है, ऐसा प्रजल्प के अंदर आता है, वो ठीक होता नहीं है। इस चीज को अच्छी तरह से समझना होगा। इसीलिए यह विशेषता क्या है, जो सत्पुरुष होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, महाजन होते हैं, उनका जो आचरण है वो पूर्ण रूप से निर्दोषमयी होता है। इसीलिए उनके द्वारा जो आचरित प्रजल्प होते हैं उनको हमें सम्मान करते हुए रहना चाहिए, उनका आदर करते रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे धारा के अलावा दूसरी और जो धाराएं हैं उनमें कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं। भक्त तो हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। इसीलिए हमें उनके आचरण को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग संकीर्ण भाव रख के हमारी परंपरा, हमारे आचार, हम इतना ही तक है, बाकी तो कहीं शुद्ध भक्ति नाम का चीज ही नहीं। जैसे कई लोग ये भाव रखते हैं कि अगर मधुर रस के रसिक वैष्णव नहीं है तो वास्तविकता में वो तो गौड़िया ही नहीं है। ऐसे भी कई विचार रखने वाले लोग हैं। इस तरीके का विचार ठीक होता नहीं। शुद्ध भक्त हैं और रसों में भी हैं, गौरव भाव में भी है, या और भाव में भी है, लेकिन हमको ये विचार करना होता है हमारे गुरुदेव ने जो उपदेश निर्देश दिए हैं, आचरण हमारे सामने रखा, उसके अनुरूप, उन शिक्षाओं के अनुरूप जो अनुकूल दिखाई देता है उनका संग वो सब हम लेंगे, बाकी सबको उनका आचरण को हम लोग नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका कभी भी अनादर नहीं करना, क्योंकि वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो लोग भी भगवत भक्त हैं, और उनके आचरण के अंदर दोषपूर्ण आचरण कुछ ऐसा होता नहीं है। और क्या करना चाहिए, लेकिन हमें उन आचरण में से
हमारे लिए हमारे परमार्थ की उन्नति के लिए अनुकूल जो आचरण है उसको हम लोगों को करना चाहिए। इसका विवेचन हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी बुद्धि का विकास नहीं है कि हम इन चीज़ों का विवेचन कर सकते। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है, अपने परंपरा, अपने विचार, अपने आचार्यों के अनुगत में रहकर साधना करना, फिर हमें उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। हमारे वैष्णवगण, हमारे आचार्यगण जो कुछ भी किया उसी को हम यथावत करते हुए चले जाएंगे तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। और इसलिए जो गुरु वैष्णव करते उन्हीं आचरण को करो। कई लोग बहुत भावुक से हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया में गए थे, ईश्वरपुरी पाद का दर्शन भी किया, नाम प्राप्त किए, फिर उसके बाद भाव में विभोर होके उन्माद अवस्था में पहुंच गए, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, फिर उसके बाद घर में रह नहीं पा रहे हैं, यत्याश्रम ग्रहण किया, सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले ली महाप्रभु, और उसके बाद उनको इतना इस तरीके की अवस्था में आ गए कि वो गंगा तट है कि यमुना तट है उनको नहीं मालूम पड़ रहा है। वो बच्चों को देख के ये वृंदावन के जो ग्वाल है ऐसे समझ रहे, ऐसे ऐसे भाव लेके रह रहे हैं। वो महाप्रभु भी शेष के 12 साल गंभीरा में कैसे रहे सबको मालूम है। वो महाप्रभु भी दिखला रहे हैं। गुंडीचा मार्जन करने के बाद नरेंद्र सरोवर में जाकर, इंद्रदुम्न सरोवर में जाके जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हाँ, जल क्रीड़ा कर रहे हैं जो लोग इंद्रदुम्न सरोवर के अंदर जो गुंडीचा में सेवा किया उन सब के साथ ऐसी अवस्था में आके, फिर अद्वैताचार्य उनसे कहते हैं कि तुम गोप की तरह तो अच्छे से सज गए हो, अब गोप की तरह नाच के भी दिखाओ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु लाठी लेके उसको घुमाते हुए, कलाबाजियां करते हुए वहां पर सबको बड़ा आनंद वर्धन किया था। एक तरफ ये भाव है, कहने का मतलब है कि वो बतला रहे हैं सजाती के अंदर महाप्रभु का तो विचार अलग है, लेकिन महाप्रभु से श्रेष्ठतम और क्या हो सकता है। लेकिन महाप्रभु भी दिखा रहे हैं ऐसे, इसलिए इस चीज को हमें समझना होगा कि अगर कोई भक्त लोग कुछ उनके आचरण के अंदर ऐसे हास परिहास भाव दिखता है, कुछ दिखता है, बोलते उसमें कोई खतरा नहीं होता। वैष्णवों के साथ में हर चीज हमारे लिए परमार्थ में उन्नति प्रदान करने वाला ही चीज होता है भक्तों के साथ में, क्योंकि घुमा फिरा कर जो वैष्णव लोग हैं उनकी हर क्रियाएं कृष्णोन्मुखी हो जाते हैं, उनकी हर क्रिया कृष्णोन्मुखी होता है। गुरु महाराज जी मुंबई के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एक दिन, दिसंबर के महीने में आते हैं गुरुजी उधर, हल्का हल्का ठंडा ठंडा भाव रहता है, हल्का ना की बराबर में। तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा सा था तो मैं एक जैकेट सा पहन लिया था, हल्का वाला जो होता है मेरे पास था, और पहन के अब जैकेट पहन लिया तो दोनों हाथ जेब में डाल के मैं गुरुजी के कमरे में पहुंच गया। अब जैसे आपका अवतार होता है ऐसे ही एटीट्यूड भी होता है फिर, है ना। जब गलवस्त्र डाल के, इसीलिए बोलते वैष्णव के आगे गलवस्त्र डाल के रहो, उससे कि एक दीनता का भाव आता है, सेवक का भाव आता है। वो जो सब हटा के बनियान और जैकेटें सब पहनने से वो कुछ अलग तरह का भाव आता है। ऐसे ही मैं पहन लिया, ये था लगभग 2003-04 का बात था, 3-4 का ही बात है। गुरुजी राकेश टोडी के घर में थे,
मैं जेब में हाथ डाल के गुरु जी को प्रणाम करके ऐसे जेब में हाथ डाल लिया, डाल के ऐसे पेपर को ऐसा करके देख रहा था। तो गुरु महाराज जी पेपर पढ़ रहे, गुरु जी उस पेपर में से कुछ, गुरु जी का ऐसा अभ्यास होता है जैसे ही कोई देखा कुछ ना कुछ गुरु जी सामने से स्टार्ट करते हैं। गुरु जी पेपर पढ़ के मुझे कुछ सुना रहे हैं और मेरा बेवकूफ़ी हो गया कि मैं गुरु जी के सामने ही बोल पड़ा, ये पेपर वगैरह पढ़ना तो टाइम वेस्ट है। गुरु जी के सामने पेपर रखा हुआ है और मैं गुरु जी के सामने ये बात बोल रहा, गुरु जी मुझको ऐसे देखा, उन्होंने देख के गुरु जी बोलते बैठो, बैठ गया। गुरु जी दो चार पेपर से संबंधित बात, एक दो बात बोला कि पेपर पढ़ने से जरूरी होता है, बाहर जाते हो तो, नहीं तो लोग मूर्ख समझेगा कि कुछ भी दुनिया के बारे में नहीं पता, दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो मूर्ख है पता नहीं कहाँ रहता है। इसलिए गुरुजी ने मुझको बोला था कि इधर उधर जाता है तो थोड़ा सा देख लिया करो दुनिया में क्या हो रहा है, हम तो पढ़ता नहीं। लेकिन बात यह है, ये पूरी बात गुरुजी ने सिर्फ एक या डेढ़ मिनट में निपटा दिया। वहां गुरुजी बात को घुमाकर डेढ़ मिनट के बाद गुरुजी संसार को लेकर कि किस प्रकार का संसार है और उससे निस्तार पाने का उपाय क्या है, उसके ऊपर अकेले नाश्ता करने के बाद गुरुजी कमरे में बैठकर मुझको आधा घंटा तक कथा सुनाया। वहां पर आधा घंटा तक गुरुजी बोलते रहे, फिर सेवक आ गया कि अब गुरुजी को स्नान इत्यादि वगैरह सब करना है, तब जाकर के बाहर आए। और एक संदर्भ में गुरु महाराज जी पेपर ही पढ़ रहे थे जब मैं गया था, ये बेंगलुरु का बात था, जैसे ही पेपर पढ़ रहे हैं देख के बोलते हैं, साधु का निंदा करने पर अनर्थ हो जाएगा ये हमको पता था, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये हमने सोचा नहीं। गुरुजी ये शब्द से गुरुजी ने शुरू किया था, क्योंकि जयेंद्र सरस्वती जी जो है कांची के शंकराचार्य, उस समय उनको अरेस्ट किया था, तो गुरुजी उनके बारे में बोलते हुए गुरुजी ने ये बात पर मैं उनका फोटो दिखाया, दिखा के मतलब देखो स्थिति देखो कि देखने में लग रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे उसको भी परमार्थ के साथ में रिलेट करते हुए प्रेजेंट करना या चीज को समझना, ये हर व्यक्ति के अंदर होता नहीं है, उसके लिए जो है वो स्थिति चाहिए होता है। जब इधर असम में भूकंप आया था, एक बार असम में भूकंप आया था, जब भूकंप आया तो वो भी पेपर में आया, उसी टाइम आया था, गुरुजी प्रकृति के बारे में बात को उठाया, उठा के गुरुजी बोलते हैं जैसे प्रकृति पे कैसे टेम्पर करने पे उसका रिजल्ट कितने भयंकर होते हैं, बोलते बोलते गुरुजी फिर उसी समय उसी टॉपिक पे आ गए। न्यूज़पेपर को लेके तीन चार बार गुरुजी के सामने जाना हुआ और हर बार गुरुजी ने एक ही बात बोला, गुरुजी बोलते हैं कि संसार रहने लायक स्थान नहीं है, इसीलिए जल्दी भजन करके यहां से निकल जाओ। एक बार तो बोला निकल जाना चाहिए, और एक संदर्भ में गुरुजी ने ऐसा बोला था, ज्यादा रहना नहीं निकल जाना यहां से। फिर थोड़ा सा गुरुजी के साथ हास्य भी चलता था, मैं गुरुजी के आगे शिखा करके बोला कि केशे धरी मोरे करो पार, ये बात दो बार बोला था, एक बार कलकत्ता में बोला था और एक बार मुंबई में बोला था। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे कि बोला आप ही ले जा सकते हैं, हम अपने प्रयास से कैसे जाएगा। कहने का मतलब गुरु महाराज जी इस प्रकार से, वैष्णव लोग ऐसे होते हैं
पूज्य पाद भारती महाराज जी भी अगर बाह्य ज्ञान, बाह्य जगत से संबंधित कोई भी अगर चर्चा भी उठाते हैं, हमेशा देखा कि वो वास्तविकता में नहीं रहता है, कि उनके पास बैठ के चर्चा करने वाला व्यक्ति किस समय बात वहां से घूमकर हरिकथा में चला गया उसको भी नहीं मालूम पड़ता, सुनने वाले को भी नहीं मालूम पड़ता। वो शुरू होता है कोई और टॉपिक से, शेष होता है हरिकथा से। गुरु जी का भी ऐसे, इसीलिए बोले वैष्णव के साथ वो कुछ भी बोलता है वहां पर उनके सामने बैठ के उनकी बातों को सुनना, उनके साथ में चर्चा करना, संग इत्यादि करना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत लाभदायी है। उसका कारण यही कि उनका आचरण दोषपूर्ण आचरण नहीं होता, वो निर्दोषपूर्ण आचरण होता है। उसका कारण है कि उनका जीवन कृष्ण सेवा में ही समर्पित है, भगवत सेवा में समर्पित है, भगवान के लिए समर्पित है। उनका जीवन तो अपने लिए है ही नहीं। खतरा तो तब है कि जब ये सारी क्रियाएं हम उनके साथ में करते हैं जिनके अंदर स्वसुख वांछा है, जिनके अंदर संसार के प्रति कुछ लाभ पूजा की आशा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रजल के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता, बिल्कुल चुप रहेगा इनकी तरह तो फिर अंदर अंदर से बात करेगा। जैसे मैं एक बार मौन व्रत किया तो पूज्यपाद भारती महाराज जी मुझको बोलते हैं, तू अंदर से तो बात कर रहा था, तो चुप तो कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन किसके साथ वार्तालाप करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ चर्चा करना है, ये चीजों का थोड़ा सा अगर हम लोगों के अंदर विवेचना हो, वो भाव हो, तो बोलते हैं कोई चिंता ही खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो जो यहां कर रहे हैं विषयी के साथ में कर रहे हैं, वो रोक कर उसको बंद करके अगर हम भक्त के साथ में करते हैं यही सारी चीजें, तो बोलते हैं उसका किनारा लग जाता है, क्योंकि भक्तों का आचरण के अंदर कभी कोई खोट नहीं होता। अतएव उनके द्वारा आचरित प्रजल्पों का हमें आदर करना चाहिए तथा स्वयं ऐसे प्रजल्पों को हमारे आचरण में करना चाहिए। उनका जो ये आचरण है, प्रजल्प क्या है? कीर्तन। प्रजल्प क्या? स्मरण। कीर्तन क्या है? स्मृति, शास्त्रानुशीलन। वो लोग जिस तरीका से, जिस भाव से पढ़ रहे हैं, उसी भाव से, उसी क्रम में हम लोगों को भी अध्ययन और साधन करना चाहिए, तब लाभ होगा। कुछ अतिभक्त लोग समस्त प्रकार के प्रजल्पों को परित्याग करने का उपदेश देते हैं, किंतु श्री रूपानुग वैष्णवों को रूप गोस्वामी के अनुगत होकर उनके द्वारा बताए गए साधन पथ का सर्वदा अनुसरण करना ही कर्तव्य। कुछ अतिभक्त होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को नहीं करनी चाहिए, जैसे महामंत्र को जाप नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, ऐसे ऐसे कई तरह के विचार होते हैं, या ये कीर्तन नहीं गाना, वो कीर्तन नहीं गाना, ये कथा नहीं बोलना, वो नहीं करना, इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं। बोलते हैं कि वो होता है, लेकिन जो रूप गोस्वामी के अनुगत जन हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत जन हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग रूप गोस्वामी के अनुगत होकर उनके द्वारा बताए गए जो साधना प्रणाली है, उनके द्वारा बताए गए साधना का जो मार्ग है, उसी मार्ग के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। वो लोग इन चीज़ों को लेके लेते नहीं है, फिर क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, वो रूपानुग है, जिस क्रम से साधना के क्रम श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया, उसी क्रम का आचरण करते हुए वो लोग अपने जीवन को चलाने की चेष्टा करते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः।